हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम लीनियर प्रोग्रामिंग। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो केस स्टडी हमारे पास तीन ऑप्शन है, या तो लीनियर प्रोग्रामिंग, या फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन तीनों में से कहीं से भी केस स्टडी एक आ सकती है। तो ऑलरेडी मैं डिफरेंशियल उसकी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की आपको केस स्टडी करा चुका हूँ, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन की इसके बाद हम करेंगे। आज हम कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की केस स्टडीज, तो डिफरेंशियल की इसके बाद मैं आपको करवाता हूँ। तो अब यहाँ पर जो केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस है उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन का अगर हम देखें, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये केस स्टडी एक दे रखी है। तो यहाँ पर कहता है कि एक क्राफ्ट्स वूमेन प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट, फ्लोर लैम्प एंड द टेबल लैम्प। प्रोडक्शन ऑफ वन फ्लोर लैम्प रिक्वायर 75 मिनट ऑफ हर लेबर एंड मटेरियल दैट कॉस्ट ₹25। यहाँ डॉलर दिया हुआ, लेकिन हमारे इंडिया में हम चलेंगे तो उसके हिसाब से रुपीज़ आपके पास आ सकता है लिखा हुआ। प्रोडक्शन ऑफ वन टेबल लैम्प रिक्वायर 50 मिनट्स ऑफ लेबर एंड द मटेरियल कॉस्ट ₹20। द क्राफ्ट वूमेन विशेज टू वर्क नो मोर देन 40 आवर्स ईच वीक एंड हर फाइनेंशियल रिसोर्सेज अलाउ हर टू पे नो मोर देन ₹900 फॉर द मटेरियल ईच वीक। तो यहाँ पर जो पूरा सीन आपके पास अब समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पर दो बनाने, एक फ्लोर लैम्प बनाना है और एक टेबल लैम्प बनाना है। जो प्रोडक्शन हमें करनी है फ्लोर लैम्प की, उसके लिए हमें 75 मिनट की रिक्वायरमेंट है लेबर के लिए, और मटेरियल कॉस्ट हमें चाहिए यहाँ पर $25। प्रोडक्शन ऑफ वन टेबल लैम्प रिक्वायर 50 मिनट्स ऑफ लेबर, 50 मिनट लेबर चाहिए, और मटेरियल की कॉस्ट जो है वो ₹20 पर चाहिए। क्राफ्टमैन जो है वो एक वीक के अंदर 40 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहती है, और उसके बाद जो पैसे हैं मटेरियल पे कॉस्ट करने के, स्पेंड करने के लिए, वो $900 है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब ये कहता है इफ़ शी कैन सेल एज मैनी लैम्प एज शी कैन मेड इट, हर प्रॉफिट इज ₹39 पर फ्लोर लैम्प एंड ₹33 पर टेबल लैम्प। तो यहाँ से तो आपका ये जेड बन रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन रहा है। हाउ मैनी फ्लोर लैम्प एंड हाउ मैनी टेबल लैम्प शुड शी मेक ईच वीक टू मैक्सिमाइज हर वीकली प्रॉफिट एंड वट इज़ दैट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो क्वेश्चन ये LPP की तरह ही होते हैं। LPP की जो क्वेश्चन ऑलरेडी, मतलब ये लगा लो कि एक टाइप की केस स्टडीज़ होती है, फिर भी यहाँ को स्पेशल क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैन्युफैक्चरिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमने इसके क्वेश्चंस में करा था, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे। उस टेबल में आपने क्या क्या बनाया है वो आप लिख लो। इस टेबल में हमने बनाया है, काफ़ी मोटा हो गया है, तो इस टेबल में हमने बनाया दो तरह की चीज़ बनाई हमने, एक फ्लोर लैम्प और एक टेबल लैम्प, ऐसे ही है ना, टेबल लैम्प और फ्लोर लैम्प, फ्लोर लैम्प और टेबल लैम्प। अब इसको बनाने में दो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। फ्लोर लैम्प हमने मान लिए x बनाए, ये हमने मान लिए y बनाए। अब इसको बनाने में दो चीज़ लग रही है, एक तो लेबर टाइम लग रहा है और एक कॉस्ट लग रही है। तो यहाँ पर लेबर जो टाइम है ये ले लेते हैं, और कॉस्ट लग रही है। जो लेबर टाइम लग रहा है, अभी हमने स्टार्टिंग पिछली स्लाइड में पढ़ा, जो लेबर टाइम लग रहा है इसमें वो 75 मिनट का लग रहा है, और $25 इसकी कॉस्ट बन रही है। 75 मिनट्स का टाइम लग रहा है और $25 की इसकी कॉस्ट है। और जो दूसरा टेबल लैम्प बनाने के लिए कहता है कि 50 मिनट की आपके पास यहाँ पर 50 मिनट लेबर टाइम है, और कॉस्ट पड़ेगी इसकी कितनी, कॉस्ट बन दे रखी है इसकी $20। अब वो कह रहा है कि जो वीक के अंदर जितने भी आवर्स हैं वो आवर्स 40 आवर्स से ज़्यादा वो स्पेंड नहीं करना चाहती है, यानी जो लेबर टाइम है वो कितना है, 75x प्लस में 50y लेस देन इक्वल्स टू 40 आवर्स। अब ये मिनट में है, ये मिनट में है, तो इसे क्यों आवर्स में रखा है, ये भी तो मिनट में कर दो ना फिर। तो इसको मिनट में करने के लिए हम 60 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ से देखो, आप कॉमन निकालो, पहले 75x यहाँ पर लिखा हमने, और 50y इधर आ गया, और यहाँ पर हो गया 6 4 24। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल लो, 25 कॉमन निकल जाएगा आई थिंक, तो 25 3 जा 75, 25 2 जा 50, 25 4 जा 100, और 24 4 जा 96। ये आपके पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी, ये पहली इक्वेशन आ गई आपके पास। अब इसमें यहाँ पर ये 96 है। अब दूसरी इक्वेशन पे चलो, जो कॉस्ट उसको स्पेंड करनी थी, कॉस्ट उसके पास $900 ज़्यादा है ही नहीं। अब 900 से ज़्यादा डॉलर नहीं है तो कहाँ से स्पेंड करे, उधारी तो करनी नहीं है उसे। तो यहाँ से जो उसने डॉलर स्पेंड करे और यहाँ से डॉलर स्पेंड करे, इन दोनों का सम, यानी 25x प्लस 20y, इन दोनों का सम मिलाकर उसके पास होना चाहिए कितना, $900।
यहाँ से आप कॉमन निकाल दो 5, ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों का आपको बना देना है ग्राफ। ग्राफ बनाने से पहले यहाँ पर जो आप बना रहे हो, जो टेबल लैम्प बना रहे हो, फ्लोर लैम्प बना रहे हो, उसकी जो क्वांटिटी है वो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये दो इक्वेशन आपको हमेशा लिखनी है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास इसका ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ हम रिप्रेजेंट करते हैं देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हम ले लेते हैं 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 48। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आ जाएगी 48, और y की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 32। एक ये लाइन आपके पास आएगी ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे आप ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए पॉइंट आप जरूरी नहीं है कि 0 0 रखने, जो आपको कंफर्टेबल है वो पॉइंट आप ले लो। अगर हम x को यहाँ 0 रखते हैं तो y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे आ जाएगी 45। और y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 36। तो दूसरी लाइन आपकी इस तरह से क्रॉस करती हुई चली जाएगी, और जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ग्राफ से, अगर ये निकालोगे आप ग्राफ से पता चल जाएगा, या फिर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है इसका, ये आ रहा है 12 और 30। अब उसके बाद देखते हैं कि भाई इनका जो कॉमन पार्ट है वो क्या है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर भी लेस है, यहाँ पर भी लेस है, पॉइंट टेस्ट करोगे तो यहाँ पर ग्रेटर देन वो स्टेटमेंट आपकी ट्रू आएगी। स्टेटमेंट ट्रू आने का मतलब है कि जो ओरिजिन की तरफ है ये वाला हिस्सा आपका शेड हो जाएगा, और आपके पास ये चार कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट से आप वैल्यू निकाल दो। कॉर्नर पॉइंट ये हो गया, जेड हमारा क्या होगा, जेड अभी तक हमने बनाया नहीं था, जेड हमारा क्या बना, यहाँ से फ्लोर लैम्प पर $39 का प्रॉफिट हो रहा है, उस पर 33 का हो रहा है, तो 39x प्लस में 33y, तो कॉर्नर पॉइंट आपके पास 045 आ गया। उसके अलावा जो हमने निकाला 1230 और नीचे आ गया 320 और इसके अलावा 00, ये चार कॉर्नर पॉइंट आ गए। अगर आप ये 045 इसके अंदर पुट करोगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1485। तो ये वैल्यू तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो, मैं ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। दो सेकंड वाली वैल्यू है 1230, इस पर वैल्यू आएगी हमारी 1458। 320, इस पर वैल्यू आएगी 1248, और 00 पर तो आएगी 0। अब प्रॉफिट कैसा चाहिए उसे, मिनिमम थोड़ा ना चाहिए, मिनिमम चाहिए तो फिर ये काम करेगा कुछ बनाएगा नहीं। प्रॉफिट चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें कहाँ पर हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर हो रहा है, यानी उसे मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है तो 045 पर उसे जाना पड़ेगा। 045 का मतलब है कि उसे फ्लोर लैम्प बनाने छोड़ने पड़ेंगे, वो सिर्फ टेबल लैम्प अगर बनाए तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जिस पर उसे 33 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है एक लैम्प पर, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं हम। अब ये हमारे पास नेक्स्ट केस स्टडी आई, इसमें क्या कहता है, कहता है 5 फ्रेंड्स ऑल ऑफ वूम आर एक्सपीरियंस्ड बेकर्स फॉर्म ए कंपनी दैट विल मेक ब्रेड एंड द केक एंड सेल देम टू द लोकल रेस्टोरेंट एंड द स्पेशलिटी स्टोर, ठीक है। बेकरी का काम आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, तो ये 5 फ्रेंड हैं, इन्होंने भी बेकरी का काम स्टार्ट कर दिया, भाई अच्छे बेकर हैं। आगे कहता है ईच लोफ ऑफ ब्रेड रिक्वायर 50 मिनट्स ऑफ लेबर एंड इनग्रेडियंट कॉस्ट ₹0.90 एंड कैन बी सोल्ड फॉर ₹1.20। ईच केक रिक्वायर 30 मिनट्स ऑफ लेबर एंड इनग्रेडियंट कॉस्टिंग ₹1.50 एंड कैन बी सोल्ड फॉर ₹4.0 प्रॉफिट। The partner agreed that no one will work more than 8 hours a day. Their financial resources do not allow them to spend more than $190 per day on ingredient. How many loaves of bread and how many cakes should they make each day to maximize their profit and what is that the maximum profit? तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन लगभग बन रहा है, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन करा था उसी की तरह ही ये क्वेश्चन बन रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको दी हुई हैं, देखिए दो तरह की काम कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो उन्हें ब्रेड्स बनाने हैं और दूसरा क्या करना है उन्हें केक्स बनाने हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया भाई, उसे बनाने हैं ब्रेड और बनाने हैं केक। ब्रेड हमने मान लिए एक्स बनाने हैं, केक हमने मान लिए वाई बनाने हैं। ब्रेड को बनाने में और केक को बनाने में क्या क्या लग रहा है, लेबर लग रही है और कॉस्टिंग लग रही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि भाई लेबर लग रहा है और लेबर जो टाइम है वो किस कैसे दिया हुआ है, मिनट्स में दिया हुआ है, और कॉस्टिंग ये दी हुई है। तो लेबर कितनी लग रही है, लेबर लग रही है यहाँ पर देखो, जब वो ब्रेड बनाता है तो 50 मिनट लेबर पे लग रहे हैं और कॉस्टिंग उसको पड़ रही है 0.90 की। 50 मिनट इधर आ गया, कॉस्टिंग पड़ रही है 0.90। और जब वो ब्रेड केक बनाते हैं तो 30 मिनट की लेबर लगती है, 30 मिनट की लेबर और कॉस्टिंग पड़ रही है 1.50। जो वो सेल करते हैं, जो सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, उससे बनेगा आपका जेड, ठीक है। इससे बन गया आपका जेड, जेड क्या बनेगा 1.20x प्लस, और ये कितने में बिकता है जी, 4 रुपीज़ में। खाली 4y लिख लो, 4.00 लिख के क्या करना है, ठीक है। अब इसके हम कंस्ट्रेंट बनाते हैं, कंस्ट्रेंट में जो लेबर का जो टाइम है वो कितना है, देखो यहाँ पर ब्रेड बनाने के लिए तो 50 मिनट लग रहे हैं उसे, तो यहाँ पर हो गया 50x। केक बनाने के लिए टाइम जो लग रहा है वो है 30 मिनट्स का, तो ये हो गया 30y। अब जो टोटल टाइम लग रहा है वो यहाँ पर, वो कितने दोस्त थे, 5 दोस्त थे, और 5ों दोस्त कह रहे हैं भाई 8 घंटे से ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे कैसे भी करें लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो उन 5ों का जो टाइम हो गया कितना हो गया, 5 × 8, तो 40 आवर्स तो उनका टोटल टाइम हो गया ना सारा मिलाकर, भाई 8 घंटे एक कर रहा है, 8 घंटे एक कर रहा है, तो टोटल टाइम उनका 40 आवर्स हो गया। लेकिन ये टाइम जो आवर्स में है तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में, तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ से ये जीरो आप कॉमन निकाल दो, आपके पास बच गया 5x प्लस में 3y लेस देन इक्वल्स टू 5 × 40 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो आ जाएगा आपके पास 240। ये बन गया आपका पहला कंस्ट्रेंट। अब जो उनके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, वो कह रहा है कि भाई $190 से ज़्यादा हमारे पास पैसा ही नहीं है, $190 से ज़्यादा पैसा नहीं है एक दिन में खर्च करने के लिए। तो वो कितना खर्च करते हैं यहाँ पर, 0.90 तो उनको लगता है ब्रेड बनाने में, और केक बनाने में कितना लगता है 1.50, और वो कह रहे हैं कि भाई हम इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, किससे ज़्यादा, $190 से। तो यहाँ $190 को मैं ऐसे लिख लूँ 19.00, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद मैंने 2 बना लिए ताकि आप डेसिमल कॉमन निकाल सको। डेसिमल कॉमन निकालने के अलावा यहाँ से हम 0 और कॉमन निकाल देंगे, तो 0 और कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह गया आपके पास 9, यहाँ पर रह गया 15 और यहाँ पर रह गया 190। तो ये बन गया आपके पास, सॉरी 19 नहीं था, उधर था 190 था ऑलरेडी, तो 190 का मतलब इधर आ गया आपके पास 190.00। तो अब यहाँ पर डेसिमल हटाया हमने और 0 कॉमन निकाला, तो हमारे पास ये रह गया 1900। ये बन गया हमारे पास सेकंड कंस्ट्रेंट, 9x प्लस में 15y लेस देन इक्वल्स टू 1900। कंस्ट्रेंट दोनों आ गए, इसके अलावा x और y ये तो आपका पैट है ही, ये तो बनाना ही बनाना है। अब यहाँ पर आप ग्राफ बना दो, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो वही वैसे x और y की वैल्यू आपको देखनी है क्या क्या लेनी है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू हम लेते हैं, इस पहले कंस्ट्रेंट में x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y आ जाएगा आपके पास 80, तो x की वैल्यू 0 तो y आ गया 80, और y की वैल्यू 0 करेंगे तो x आ जाएगा यहाँ से 5 × 4 = 20 and 48। एक लाइन तो आपकी ऐसे आ गई, तो x को रखा हमने 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1900 अपॉन में, y की वैल्यू आएगी 1900 अपॉन में 15, तो ये तो कटेगा नहीं, 5 से कैसे काट देते हैं, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40, 380 अपॉन में 3। अब 380 अपॉन में 3 का मतलब हो गया 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 एंड 2 बचेगा तो 3 126 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी इससे बाहर वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू है हम ऐसे शो कर देते हैं, डेसिमल में शो करने की ज़रूरत नहीं है, 380 अपॉन में 0, 380 अपॉन में 3,
और जब आप वाई को वैल्यू जीरो करोगे तो ये आ जाएगा 1900/9। तो 1900/9 का मतलब ये 200 कुछ आएगी आपके पास, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका ग्राफ जो है ना दोनों का कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो एक अच्छी बात यह कि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं निकालना, ये हमारे लिए फ़ायदा हो गया। अब लेकिन दोनों के अंदर ना लेस देन का ही यहाँ पर साइन है, तो लेस देन का साइन है तो दोनों का ही जो कॉमन रीजन है वो ओरिजिन की तरफ ही आएगा, यानी जो येलो लाइन है उसका ओरिजिन भी रीजन भी इधर ही आएगा और जो येली लाइन है इसका रीजन भी इधर आएगा। तो जो कॉमन रीजन बनेगा ना वो ये वाला बनेगा हमारे पास, और इसके कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है ही। कॉर्नर पॉइंट आगे यहाँ पर आप लिख लो कॉर्नर पॉइंट, और जेड आपने बना ही लिया था पहले, जेड कितना था हमारे पास 1.2 ही लिख लेते हैं उसे, प्लस में 4y। और कॉर्नर पॉइंट एक तो 0.80 है और आपके पास 0.80 है और ये 48 और 0 है, 0.80 और 48 0 और यहाँ पर आ गया 0.0। अब इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को अगर आप रखोगे 0.0 से तो 0 ही रहेगा, 48 और 0 से वैल्यू आएगी आपकी 57, 48 और 0 से 57.60, और 0.80 पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ रही है आपकी 320। तो प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए, यहाँ तो जीरो ही आएगा, प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा यहाँ पर। तो लिख देंगे मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ ₹320 इफ़ ही मेक्स 80 पीसीज ऑफ केक, नॉट ब्रेड, ठीक है, केक खाने बस, ब्रेड नहीं खाने हैं। तो नेक्स्ट जो केस स्टडी है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी में आपके पास दिया हुआ है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उस क्वेश्चन में कहता है कि प्लांट नीड न्यूट्रिएंट टू ग्रो विच दे एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल वाया द प्लांट रूट सिस्टम। फर्टिलाइजर प्रोवाइड द मेजर न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड इम्पोर्टेंट सेकेंडरी एलिमेंट दैट प्लांट नीड। अनलेस द न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड द सॉइल प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिक्लाइन विद द एवरी हार्वेस्ट। ये सब आपको केस स्टडीज रिलेटेड में क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया होता है। क्वेश्चन हमारा मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर कि देर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजर ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, दो तरह के फर्टिलाइजर हम यूज़ कर रहे हैं। ग्रेड ए कंसिस्ट ऑफ 12% नाइट्रोजन, तो हमारे पास दो तरह के फर्टिलाइजर हैं ग्रेड ए और ग्रेड बी। अब इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या क्या है, एक नाइट्रोजन है, फास्फोरिक एसिड है। नाइट्रोजन और फास्फोरिक एसिड वेयर इज क्यू कंसिस्ट ऑफ, क्यू की जगह यहाँ पर बी आएगा क्योंकि यहाँ ए बी था, यहाँ ए है तो यहाँ पर बी आएगा, ठीक है। बी कंसिस्ट ऑफ 4% नाइट्रोजन एंड 5% फास्फोरिक एसिड। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन चाहिए आपको, और क्या चाहिए यहां पर, फास्फोरिक एसिड। जो ग्रेड ए है हमारे पास उसके अंदर हमें चाहिए नाइट्रोजन कितना, 12% और 5% फास्फोरिक एसिड। जो ग्रेड बी है उसके अंदर 4% नाइट्रोजन और फास्फोरिक एसिड चाहिए 5%। आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशन फार्मर फाइंड दैट ही नीड एटलीस्ट 12 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 12 kg ऑफ फास्फोरिक एसिड, कि कम से कम 12 kg फास्फोरिक एसिड और 12 kg नाइट्रोजन की नीड है फॉर हिज क्रॉप्स। इफ ग्रेड ए कॉस्ट ₹80 पर kg एंड ग्रेड बी कॉस्ट ₹64 पर kg। यहाँ से आपको कॉस्टिंग मिल गई, मतलब जेड आपको क्लियरली मिल गया कि जेड आपका क्या बनने वाला है, 80x प्लस में 64y। देन ग्राफिकली डिटरमाइन हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड सो दैट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर मेट एट द मिनिमम कॉस्ट। अब यहाँ पर देखिए जो नाइट्रोजन है, ग्रेड ए मान लेते हैं कि जो ग्रेड ए हमें चाहिए वो एक्स यूनिट चाहिए और ग्रेड बी हमें जो है वो वाई यूनिट चाहिए, यानी यहाँ पर यूनिट क्या है, किलोग्राम है, तो यहाँ पर आप किलोग्राम लेके चलेंगे। अब यहाँ पर जो ग्रेड ए है उसके अंदर 12% नाइट्रोजन होना चाहिए, तो मतलब आ गया 12% का मतलब 12/100x। और जो दूसरा है उसके अंदर कितना चाहिए, 4%, तो ये आ जाएगा 4/100y। टोटल जो हमारे पास ये भी केजी है, ये भी केजी है, एक्स केजी लेके चल रहे हैं ना, एक्स केजी वाई केजी, तो टोटल हमारे पास केजी कितना हो चाहिए नाइट्रोजन, एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम आपके पास इतना होना चाहिए। तो आपको जो वैल्यू दे रखी है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम, मतलब वैल्यू इसकी ज़्यादा भी हो सकती है। जब भी एटलीस्ट आएगा तो आपको ये सिंबल यूज़ करना है क्योंकि इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ से आप 4 कॉमन निकाल दो, 4 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस में y
और यहाँ पर आ जाएगा 3। ये 100 को यहाँ से हटाओ, इधर ले जाओ, तो कंस्टेंट आपका बन गया 3x प्लस में y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 300। ये फर्स्ट कंस्टेंट आ गया। सेकंड कंस्टेंट भी ऐसे बनाते हैं, कितना है, 5-5 है दोनों के अंदर, 5x 5y, और यहाँ पर भी टोटल क्वांटिटी आपको चाहिए 12। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल करोगे 20 आ जाएगा, यहाँ से करोगे 20 आ जाएगा, उधर ले जाओगे तो आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस में वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 240। ये दो कंस्टेंट आपके बन गए, इसके अलावा क्वांटिटी है तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तीसरा कंस्टेंट हमारा ये बन गया। तो आपके पास तीन कंस्टेंट तैयार हो गए हैं, 3x प्लस में y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 300, और उसके अलावा आ गया हमारे पास x प्लस y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 240, x0 y0। z भी हमारे पास तैयार है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना के बस आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ग्राफ हमने बना दिया, ये x की वैल्यू ली हमने 0, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आ जाएगी 300। y की वैल्यू 0 लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 100। ये लाइन आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 0 करेंगे y 240 हो जाएगा, y की 0 करेंगे x 240 हो जाएगा, यानी दोनों तरफ 240 लेना है। 240 इधर, 240 इधर, और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है आपके पास, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन जाएगा इनका 30 and 210। अब यहाँ पर जो साइन है ना, वो देखो दोनों के अंदर यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ भी ग्रेटर है, यहाँ भी ग्रेटर है, तो इनका जो शेडिड पोर्शन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा। तो शेडिड पोर्शन आपका ये वाला बन गया। तो इसके लिए आपके पास ये तीन कॉर्नर पॉइंट आ गए, Z था हमारा 80 प्लस में 64, कॉर्नर पॉइंट बने 0 300, दूसरा आ गया 30 210, और फिर नेक्स्ट आ गया 240 and 0। अब इन वैल्यूज को अगर आप यहाँ पर पुट करोगे, तो पुट करने पर 0 300 पुट करेंगे तो आ रहा 19200, 19200, और अगर आप 240 पुट करोगे तो भी 19200 आ रहा है, और 30210 करेंगे तो आएगा हमारे पास 15840। अब जो कॉस्ट है हमें मिनिमम यहाँ पर पड़ रही है, लेकिन जो रीजन है ना हमारा वो अनबाउंडेड है। इस तरह के जो हमने लीनियर प्रोग्रामिंग की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे उसमें डिटेल में हमने बताया था कैसे आपको लिखना है, कि जो शेडिड रीजन है यहाँ पर दिखा दो, बिकॉज शेडिड रीजन इज अनबाउंडेड, सो वी हैव टू ड्रॉ एक इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी है। इनइक्वालिटी कैसे बनेगी, 80x प्लस में 64y लेस देन में क्या वैल्यू लेनी है, जो ये वाली वैल्यू लेनी है 15840। अब यहाँ से इसकी लाइन आप ड्रॉ करोगे तो एक पॉइंट तो आपका ये आएगा ही आएगा, जहाँ से लाइन आपकी पास करने वाली है ये वाला पॉइंट तो आएगा ही आएगा, एक पॉइंट और आपको ले लेना है। तो अगर मैं वाई की वैल्यू जीरो कर दूँ तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 8 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 1 8, यानी 100 कुछ आएगा, ठीक है, वो निकाल लेंगे हम, 100 कुछ आएगा, मतलब ये हमें आइडिया ये मिल गया कि इन दोनों के बीच में कुछ वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पर कोई वैल्यू ले लेता हूँ, और यहाँ कहीं भी ले लो आप, कहीं भी ले लो, इसके बीच में लाइन आप जब बनाओगे तो इस तरह से लाइन आपकी जाएगी, जो कि शेडिड पोर्शन से आपकी पास नहीं करेगी। ये पॉइंट आप एग्जैक्ट निकाल लेंगे कि कहाँ से जाएगी, लेकिन लाइन आपकी शेडिड पोर्शन से डेफिनेटली पास नहीं करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लिख देंगे विच डज नॉट हैव कॉमन पॉइंट विथ फीजेबल रीजन। देयरफॉर मिनिमम कॉस्ट, जो भी उसने पूछा, मिनिमम कॉस्ट रुपीज़ 15840, ये बन जाएगी आपकी इसकी मिनिमम कॉस्ट। बस यही इसने पूछा था कि मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास ये है, यहाँ पर कहता है आपसे कि विटामिन आर न्यूट्रिशनल सब्सटेंस विच यू नीड इन स्मॉल अमाउंट, वो सब आपको सारी कहानी दे रखी है, वो भाई आप पढ़ लेना एग्जाम में, ठीक है। मेन जो क्वेश्चन आपका फिर यहाँ से स्टार्ट होगा कि डाइटिशियन विशेज टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड इन सच ए वे दैट द विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी, ठीक है। कम से कम इतना विटामिन ए होना चाहिए, कम से कम इतना विटामिन सी होना चाहिए। फूड वन के अंदर 2 यूनिट पर केजी विटामिन ए होगा और 1 यूनिट पर केजी विटामिन सी होगा, यानी फूड वन फूड टू इस तरह से 2 फूड बनाने हैं आपको, फूड वन फूड टू, ये मान लेते हैं हम एक्स यूनिट है, ये मान लेते हैं वाई यूनिट है, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक्स एक्चुअली में केजी लेना है, एक्स केजी वाई केजी, तो यूनिट के हिसाब से डिसाइड कर लेना, केजी आएगा मिलीग्राम आएगा, या अगर खाली नंबर पूछा है तो यूनिट लिख देंगे। अब इसके अंदर फूड को बनाने के लिए हमें 2 तरह के विटामिन चाहिए, एक तो विटामिन ए और एक विटामिन बी। तो विटामिन ए है फूड ए के अंदर, बोल रहे थे यहाँ पर 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए, एक यूनिट में 2 केजी विटामिन ए होना चाहिए और एक यूनिट में 1 केजी विटामिन सी होना चाहिए, यहाँ बी नहीं है सी है। जो फूड टू है उसके अंदर कह रहा है 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी, इट कॉस्ट ₹30 पर केजी टू परचेज फूड वन एंड ₹42 पर केजी टू परचेज फूड टू, ये बन गया आपका जेड 30x प्लस 42y। फॉर्मुलेट अबोव एलपीपी एंड सॉल्व इट ग्राफिकली, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट ऑफ सच ए मिक्सर, तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल बन रहा है, उसी तरीके से करेंगे हम यहाँ पर। तो पहले आप कंस्टेंट बनाओ, पहला कंस्टेंट क्या आ गया हमारे पास 2x प्लस में 1y, 2x प्लस में y। अब जो विटामिन ए है वो कितना होना चाहिए, यहाँ पर देखो एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए, कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, ये पहला कंस्ट्रेंट आ गया। दूसरे कंस्ट्रेंट में कह रहा है कि विटामिन सी जो है वो कम से कम 10 यूनिट होना चाहिए, यानी एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ये आ गया हमारे पास सेकेंड कंस्ट्रेंट। इसके अलावा थर्ड कंस्ट्रेंट तो हमारा यही बनेगा एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब बना दो आप इसका ग्राफ, x को 0 करो, यहाँ पर x 0 करेंगे y आ जाएगा 8, x को 0 करा y आ गया 8 और y को 0 करेंगे तो x आ जाएगा 4। ये लाइन आ गई, दूसरी लाइन आपकी अब आ गई, आ गई x इक्वल्स टू 0, y आ गया 5, x आ गया 0, y आ गया 5 और y को करेंगे 0 तो x आ जाएगा 10। उसके अलावा और तो कोई इक्वेशन है नहीं, ये दोनों तो क्वाड्रेंट के लिए होती हैं, तो शेडेड पोर्शन है आपका वो बन गया। अब क्योंकि यहाँ पर जो साइन है दोनों में ग्रेटर देन का है, तो फिर यहाँ भी जो शेडेड पोर्शन है आपका अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा, तो ये शेडेड आ जाएगा, अनबाउंडेड होगा। तो कॉर्नर पॉइंट हम ये और निकालेंगे, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है 2, 4, तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट आ गए, जेड आ गया, कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास 0, 8, 2, 4 और 10, 0। जेड में वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर 8, 2 जा 16, 8, 4 जा 32 और 1, 33, यहाँ 2 करेंगे 60 बन जाएगा, यहाँ करेंगे 4, 2 जा 8, 4, 4 जा 16, 162 और 60 दोनों मिलाकर कितने बन गए 2, 2, 8। ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 2 की जगह, x की जगह 30 2 पुट करेंगे, y की जगह 4 पुट करेंगे, तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास 2, 2, 8। यहाँ पर पुट करेंगे ये आ जाएगा 300। अब मिनिमम कॉस्ट आपको पड़ रही है यहाँ पर, फिर अपना आंसर फाइनल करने से पहले, क्योंकि ये अनबाउंडेड रीजन है, आपको एक इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी है, किसकी ड्रॉ करेंगे अब 30x प्लस में 42y लेस देन
यहाँ पर 228, ठीक है, वैसे लिखेंगे स्टेटमेंट क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है, इसलिए मैं इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी है। अब ये देख लेते हैं ये जो लाइन आ रही है ये हमारे शेडेड पोर्शन से पास होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो आपका वही बनेगा जहाँ से ये इक्वेशन बनी है, 228 वैल्यू कहाँ से आई थी, 24, तो एक पॉइंट तो ये आएगा ही आएगा। एक पॉइंट और निकाल लो, एक पॉइंट आप निकालोगे तो अगर हम इसको जीरो कर देते हैं एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 228 अपॉन में 30, तो 30 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 37 जा 21 और 72/10 यानी 7.2 आ जाएगा। अब 7.2 मतलब इसके बीच में कहीं आएगा, तो यहाँ से ऐसे लाइन पास कर जाएगी, डॉटेड लाइन बनानी है ये। अब यहाँ से भी आप देख रहे हो कि शेडेड रीजन से पास नहीं कर रही है, तो जो मिनिमम कॉस्ट हमने निकाली है ये मिनिमम कॉस्ट पॉसिबल है, तो ये आपकी मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी इतनी डाइट की। अगर आपको डाइट में विटामिन ए विटामिन सी लेना है तो इतनी कॉस्टिंग आपको पड़ने वाली है। तो आई होप यहाँ पर जो लीनियर प्रोग्रामिंग के जो केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आ गए होंगे कैसे वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब हमारे पास रह गए सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन की केस स्टडीज, तो वो वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।